नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देखिए, आज गरीब नवाज की छठी भी है, साई भंडारा भी है, रामनवमी भी है। आज बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे फंक्शन पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में मनाए जा रहे हैं। और यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सारे समाज के फंक्शन सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके मनाते हैं। ये खूबसूरती सिर्फ हमारे भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं आपको और दिखाई नहीं देगी। सारे समाज के, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलके खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को त्यौहार विश करते हैं, एक साथ जो है कहीं प्रसाद बांटा जाता है, तो कहीं खीर बांटा जाता है, तो कहीं नारियल दिया जाता है। ये सब खूबसूरती इस देश के, इसको, इस खूबसूरती को बचा के रखना हम सब की जवाबदारी है। जो हमारी एक परम्परा रही है हजारों साल से हिंदुस्तान की, उसको हमें संभाल के रखना चाहिए। ये चाहते हैं कि हमने तो सुबह खाजा जी का छठी का प्रोग्राम रखा, और इसी तरीके से इंडिया में हम सब हिंदू मुस्लिम मिल के सब भाई साथ साथ में रह के एक दूसरे को हमेशा है। पिछले कितने सालों से इस तरह का भंडारा करते आ रहे हैं, और साईं बाबा के कुछ चमत्कारों के बारे में बताइए जो यहाँ पे मंदिर है। सर, ये भंडारा तो हमारे बचपन से चलते आए हैं, धीरे धीरे वन बदलता गया, वैसे वैसे लोग बदलते गए, और आज हमको मौका मिला है तो हम कर रहे हैं। 8 साल बाबा जी की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे बताइए? तकरीबन 40 साल पहले ही बाबा की स्थापना यहाँ पे रहने वाले रहवासियों ने नहीं की। आपसे जानना चाहेंगे, आपके माध्यम से यहाँ पे कई राजनीतिक नेता और सेलिब्रिटी भी आते हैं, तो इस साल खास करके कौन कौन आया है और कौन कौन आने वाला है? फिलहाल इस ये साल में अभी अस्तर जी आके जो क्षेत्र के एमएलए आने वाले हैं, और अभी पुराने जी हैं, दया जी का आने का बात था लेकिन उनका कैंसिल हो गया कुछ उनकी वजह से। बाबा का कितना कृपा है आपके ऊपर और कितना सहयोग रहता है आप लोगों का? बाबा का बहुत कृपा है, क्योंकि ऐसा नहीं रामनवमी के टाइम पे कि जरा दोनों सीसीटीवी कैमरा लगाए थे। अभी ये साल रवि भाई के 3 साल के मेहनत के बाद इधर बाथरूम का काम चालू हुआ। क्या कहना चाहेंगे बाबा से, बाबा के तरफ से जो श्रद्धालु है उनके लिए? इधर के जो भी रहवासी है, जो पहले जितने मुसीबत में थे, अभी वो भाई जो भी इधर किए जितना भी, तो जो पहले का जो क्राइम था इधर वो कम हो चुका है बाबा के आशीर्वाद से। जो पहले मंदिर में दिया से सिगरेट जला जा रहा था, इधर के पानी फेंकते थे, इधर कई लोग ऐसे जलने वाले जलते जी। मैंने तो कर ही रहा है, हमारे कार्यकर्ता जो इधर के लड़के लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। शाही बाबा की उनके ऊपर बहुत कृपा है, उन्होंने शाही बाबा के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए उनके आशीर्वाद से सब चल रहा है अच्छे तरह से, वो बच्चे लोग कर रहे हैं। महिलाओं का कितना योगदान है भंडार पे, इस भंडार में महिलाओं का? सब महिलाएं जो हमारे इधर का जो मतलब अध्यक्ष है, कार्यकर्ता मतलब उसे हम लोगों ने रवि डोगरे उसका नाम है, जो उसके मतलब हर लेडीज को लेके वो हम काम चालू कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, हर लेडीज को उसको सहयोग है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज।